मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे को पत्र लिखकर महाराष्ट्र विधान परिषद में अपना चीफ व्हिप नियुक्त करने की मांग की है। शिंदे गुट ने पत्र लिखकर विधानसभा के ऊपरी सदन में बिप्लो गोपी किशन बाजोरिया को शिवसेना का नया चीफ व्हिप बनाने की मांग की है। वर्तमान में विधान परिषद में पार्टी के चीफ व्हिप उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के MLC अनिल परब है। विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरे का कहना है कि शिवसेना ने MLC बिप्लो बाजोरिया को विधान परिषद में अपना चीफ व्हिप नियुक्त करने का फैसला किया है। नियम के अनुसार अगर बाजोरिया चीफ नियुक्त किए जाते हैं तो वह व्हिप जारी कर सकते हैं और उसका पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य उद्धव ठाकरे को भी पालन करना पड़ेगा। वर्तमान में महाराष्ट्र विधान परिषद में शिवसेना के 11 MLC है, जिनमें से एक को छोड़ दे तो बाकी बचे हुए सभी MLC उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं। उद्धव ठाकरे स्वयं विधान परिषद के सदस्य हैं और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में अगर शिवसेना का चीफ व्हिप शिंदे गुट का होता है तो उद्धव गुट के MLC को शिंदे गुट के चीफ व्हिप के आदेश का पालन करना होगा और ऐसा होना ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। बजट सत्र से कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण देने का फैसला किया था, जिसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट भी चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर उद्धव ठाकरे गुट व्हिप को नहीं मानते हैं तो उनके विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। व्हिप को लेकर कोर्ट ने कहा कि इसका पालन करना सभी संबंधित विधायकों का कर्तव्य होता है। ऐसे में अगर सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा रहे राजनीतिक दल का कोई भी MLA व्हिप को नहीं मानता है तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। CGI चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार बनने के बाद विधायकों का कोई गुट यह नहीं कह सकता है कि वो गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि जब तक आप तब तक आप अपने दल के लिए मतदान करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि विलय की सूरत में यह नियम लागू नहीं होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई की सुनवाई के लिए इस पीठ का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।